दीपक हूँ मैं, ललायत हूँ, एक और दीपक जलेगा मुझसे, यही सोचकर मैं जीवित हूँ। दोस्तों, प्रसून जोशी की इस कविता के साथ में मैं आज का इम्पोर्टेंट मैसेज है हम सभी देशवासियों को, वो सब मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूँ। साथियों, आज सुबह 9 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आते हैं और उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से एक बार फिर से एकजुट होकर एक प्रार्थना की है कि आने वाले रविवार को यानी कि 5 तारीख को शाम को 9 बजे अर्थात रात को 9 बजे हम सभी अपने घर की समस्त लाइटें बंद कर दरवाजे में या बालकनी में आएं और विशेष ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग का। इसका ध्यान रखते हुए हम या तो एक दीपक जलाएं, एक कैंडल जलाएं या फिर किसी प्रकार का टॉर्च और कुछ नहीं तो एक मोबाइल का टॉर्च जलाएं। ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने? दोस्तों, मोदी जी ने इसके पहले भी 22 मार्च को सभी देशवासियों से अपील की थी कि सब लोग 22 मार्च के दिन शाम को 5 बजे अपने खिड़कियों पर, अपने दरवाजों पर, अपने बालकनी में आएं, घंटी, शंख, तालियां, थालियां बजाएं। किस लिए बजाएं? इस देश के उन सभी वास्तविक योद्धाओं का जो कोरोना वायरस आज युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे लिए जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाल रखा है। एक बार फिर से उसी उद्देश्य के तहत मोदी जी ने अपील की है कि हम लोग आएं, इकट्ठे हों और फिर से ऐसे योद्धाओं का हौसला अफजाई हम करें। दोस्तों, हम सबको इस उद्देश्य को सफल बनाना है। ये सिर्फ मोदी जी का उद्देश्य नहीं है, हम सब देशवासियों का उद्देश्य है। कोरोना वायरस की लड़ाई सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है, हम सभी देश के नागरिकों की लड़ाई है। अगर जीतते हैं तो हम सब जीतेंगे, अगर हारते हैं तो हम सब हारेंगे, पूरा देश हारेगा। लेकिन दोस्तों, हमें हारना नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है, जीत, जीत और जीत। अब तक हमने बहुत इतिहास रचे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हमने एकता दिखाई थी, वही एकता फिर से दिखाने की आवश्यकता है। साथियों, दोस्तों, इस प्रकार से संगठित होना प्रतीक है हमारी शक्ति का, हमारी एकता का। यह प्रतीक है कि हम सब एक साथ अगर खड़े होते हैं तो कोरोना वायरस से हम जीत जाएंगे। दोस्तों, संडे को लॉकडाउन का 12वां दिन होगा, अभी भी 9 दिन और बाकी है 21 दिन पूरे होने में। मतलब ये कि इस बीच हमें हार नहीं मानना है, हमें थकना नहीं है, इस लॉकडाउन को हमें सफल बनाना है, एकमात्र यही उद्देश्य है। अगर 21 दिन का लॉकडाउन सफल होता है दोस्तों, तो हमारी कोरोना वायरस के विरुद्ध यह जो लड़ाई है, निश्चित ही हम उसे जीत जाएंगे, क्योंकि 21 दिन के लंबे समय में कोरोना वायरस की जो चेन है वो टूट जाएगी, और एक बार चेन टूट गई तो फिर इसे हम फैलने से रोक लेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दुनिया के और देश इससे बहुत बुरी तरीके से परास्त हो गए हैं। अमेरिका, इटली, यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ, वो तो लगभग तबाह ही हो गए हैं। हमने अच्छा किया है अभी तक और हम अच्छा करेंगे, हम जीतेंगे। दोस्तों, दीपक ही क्यों, प्रकाश ही क्यों? इसका उद्देश्य सिर्फ यही दोस्तों कि सिर्फ दीपक यहाँ सिर्फ जलाने का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि हम सब दीपक बने, हम सब प्रकाश बने, ये जो अंधेरा है कोरोना वायरस का उसे हम मिटा दें। इसका ये उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को सार्थक करें तभी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। दोस्तों, आज तक हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, हमेशा लिया ही लिया है, ये वक्त है प्रकृति को कुछ देने का। साथियों, अगर हम 9 मिनट तक अपने देश में, देश भर में लाइट बंद रखेंगे तो इससे बहुत मात्रा में कार्बन उत्सर्जन रुकेगा। इस प्रकार से हम प्रकृति को कुछ देंगे, और प्रकृति हम सब जानते हैं सर्वशक्तिशाली है। आज इस प्रकृति का कोप हम झेल रहे हैं, अगर हम उससे कुछ देंगे तो वो भी बदले में हमें देगी, वो हमें देगी इस कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार दे सकती है जिससे इस कोरोना वायरस स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो साथियों, आइए चलें, हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई को जीतें और संपूर्ण विश्व में भारत का विजय घोष बजाएं। जय हिंद।